हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत आसान मिठाई की रेसिपी। ये है कोकोनट लड्डू, नारियल के लड्डू। बहुत आसानी के साथ और बहुत ही टेस्टी आप कैसे घर में सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं, तो उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, आप कोई कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें हमें 1 चम्मच घी डालना है। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है और अच्छे से पैन को चिकना कर लें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप नारियल का बुरादा। ये आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाएगा या फिर आप इसको घर में भी बना सकते हैं। घर पे कैसे बना सकते हैं आप नारियल का बुरादा सूखे नारियल से, तो उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसको लगभग 2 मिनट तक हमें इस तरह से भूनना है। तो इसको आप हाई फ्लेम पर ना भूने, लो मीडियम फ्लेम पर भूने। ऐसा करने से थोड़ा सा नारियल हल्का सा सिक जाएगा तो हमारे नारियल के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे, उसमें बहुत ही सौंधी-सौंधा फ्लेवर आएगा। तो नारियल में हल्का सा कलर आ चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गाय के दूध का मिल्क पाउडर ऐड किया है। आपके पास अगर गाय के दूध का हो तो वो ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपल अमूल का या किसी और ब्रांड का लाकर 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर डाल दें। साथ ही हम इसमें 1/2 कप के करीब पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे। चीनी को मैंने सिंपली पीस लिया मिक्सी में और लगभग 1/2 कप ऐड किया है। इसके साथ ही 1/4 चम्मच हम इसमें हरी इलायची का पाउडर डालकर मिक्स कर लें। तो सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिला लिया। तो अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो नॉर्मल पीने वाला दूध है ये, लगभग 1/4 कप है, ये मैंने डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे काम को हमें धीमी आंच पर ही करना है फ्रेंड्स। और ये देखिए इस तरह से बढ़िया से आप मिक्स कर लीजिए। अब मिक्सचर के सूखने तक हमें इसे थोड़ा सा स्टर करना है। बहुत ज्यादा आपको स्टर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 मिनट आप इसको इसी तरह से चला लीजिए और बस गैस को हम ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को हमें अच्छे से ठंडा करना है। जब ये मिक्सचर थोड़ा सा गुनगुना होगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर मिक्सचर देखिए बिल्कुल सूख चुका है, तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जब ये ठंडा हो जाएगा, हल्का सा वार्म रहेगा, तभी हम इससे लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। मिक्सचर को देखिए मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब हाथों में इस तरह से हम मिक्सचर लेंगे, तो जितने बड़े भी आप लड्डू बनाना चाहें उस हिसाब से हाथों में मिक्सचर लेकर इस तरह से इनको सबसे पहले दबाते हुए गोल कर लें। तो लड्डू बनाना सभी को आता है, तो सेम वही प्रोसीजर है फ्रेंड्स। सबसे पहले लड्डू आपको बनाने हैं, गोल गोल कर लें इस तरह से दोनों हाथों की हेल्प से। इसके बाद में आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप इसको कोट कर सकते हैं नारियल के बुरादे पर। तो यहाँ पर मैंने गाय के दूध का मिल्क पाउडर यूज किया है, इसलिए आपको इसका कलर हल्का सा लग रहा होगा ब्राउन। और अगर आप भैंस के दूध का यूज करेंगे मिल्क पाउडर, जैसे अमूल का आता है, काफी और सारे ब्रांड्स का भी आता है, तो आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए नारियल का बुरादा मैंने लड्डू पर कोट कर दिया है और ये देखिए नारियल के लड्डू हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी तैयार कर लेंगे। तो थोड़े से छोटे साइज के लड्डू मैं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को छोटे से लड्डू पसंद आते हैं। तो छोटे छोटे लड्डू मैं अपने बेटे के लिए बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये लड्डू देखिए इस तरह से मैं कोट कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। और इसको आप बनाकर आराम से लगभग 15 से 20 दिनों के लिए फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इस दिवाली ट्राई कीजिए। 5 मिनट में बनने वाले ये कोकोनट लड्डू बहुत ही टेस्टी, बहुत ही माउथ मेल्टिंग है, और इसको आप बनाकर जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इन लड्डुओं को थोड़े से ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आपको विद मेजरमेंट रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर चेक कर लें। यहां पर देखिए हमारे लड्डू बनकर रेडी हैं। इसको मैं जा रही हूं एंजॉय करने और आप भी इसको घर में जरूर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।